तो जय श्री नारायण दोस्तों, आपको पता ही होगा अभी का समय काफ़ी ज़्यादा अलग समय चल रहा है। युग परिवर्तन के दौर में हम लोग जी रहे हैं और इसी समय में बहुत सारे लोग भगवान कल्की के प्रचार में लगे हुए हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो उसी कड़ी में हमको YouTube पे एक वीडियो मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और इनके चैनल को भी आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। इनके चैनल का नाम भी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, कल्की अवतार श्री कल्की बाल वाटिका फाउंडेशन। ओके, तो इनका तरीका बहुत अलग है भगवान कल्की के लिए प्रचार करने का। तो कैसे करते हैं ये प्रचार जरूर से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा और अगर पसंद आता है तो चैनल से भी जरूर से जुड़िए, इनके भी और हमारे भी। दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या कल्की अवतार हो चुका है। मैंने तो सुना है कि उनका अवतार अभी 4,32,000 वर्ष बाद होगा, दोनों चीजें जिसमें कि 5,090 वर्ष बीत चुके हैं। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में कलयुग के चौथे चरण के लक्षण जो बताए गए हैं वह इस समय धरती पर पूर्ण रूप से विराजमान है। कलयुग के चौथे चरण के लक्षणों के प्रतीत होते ही कल्की अवतार होना निश्चित है। मामा जी, हमारे दर्शक यह भी जानना चाहते हैं कि क्या कल्की जी का अवतार हो चुका है। हाँ, कल्की जी का अवतार हो चुका है, केवल प्रकट होना शेष है। इसके लिए हम आपको कल्की जी के बाल सखाओं द्वारा प्रस्तुत एक लघु नाटिका दिखा रहे हैं। ये नाटक के रूप में, मतलब जो बच्चे हैं इनसे जुड़े हुए बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये नाटक के जरिए भगवान कल्की के लिए अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नाटक को जरूर से देखिए और उसके बाद इनके चैनल को भी चेकआउट कीजिएगा, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। मतलब समझ सकते हैं अभी से बच्चों को ये चीज़ें पता चल रही हैं और इनको नाटक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो काफ़ी बेहतरीन काम है, एक बार जरूर से देखना चाहिए इनको। अंग्रेज हमारे व्यापार, दस्तकारियों और किसानों की सारी कमाई पर अधिकार करके आधा किलो लाल गेहूं राशन में दे ही रहे थे, जिसे वो समुद्र में फेंकते थे या जलाते थे। लेकिन जब जेल के कैदियों की तरह भारतीयों को कपड़ा भी नाप नाप कर देने की योजना वे शुरू करने जा रहे थे, तब हिंदू जाति और हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाने वाले, रावण और कंस को मारने वाले, गौ ब्राह्मण और धर्म की रक्षार्थ युग युग में अवतार लेने वाले महाविष्णु ने कल्की अवतार लेने का उद्घोष करवाया और कल्की नाम का उद्घोष करने के लिए चारों युगों में रहने वाले हनुमान जी के आवेशावतार गुरुवर बाल मुकुंद जी को अपनी रहस्यमय लीला का अनुभव देकर कलयुग की शेष आयु काटने के लिए कल्की भगवान का पूजन और नामोच्चारण शुरू करवाया। इसमें इन्होंने बताया है, ये देखिए, इनमें भी जैसे देखिए, जब भी हम कल्की अवतार की बात करते हैं दो तरह के पक्ष समझ में आते हैं। मतलब दो तरह के, वो जो मानते हैं कि भगवान कल्की अब इसी समय में आने वाले हैं और कलयुग का अंत हो रहा है, पहले तो वो जैसे उमेश जी हैं और मैं भी उनके इसी तरह मान सकते हैं आप, तो वो लोग मानते हैं कि कलयुग कभी लाखों सालों का था ही नहीं, कलयुग हमेशा से कुछ हज़ार सालों का ही था। उसके लिए हमने बाकी युग चक्रों के भी आंकड़े बताए और बाकी सारी चीज़ें कैसे ही लग कलयुग के लाखों सालों का आंकड़ा सामने आया। कुछ वैसे लोग हैं जो मानते हैं कि कलयुग लाखों सालों का था, पर अब जब बुराई समय से पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ये समय कम होके अब 5,000 साल या उसके आसपास ही रह गए। मतलब अभी का जो समय है यही कलयुग के अंत का समय है, तो ये लोग उन्हीं में से हैं। पर खैर, दोनों ही पक्ष ये मानते हैं कि कलयुग का अंत अभी हो रहा है और भगवान कल्की का जन्म ऑलरेडी हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हनुमान, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का महाविष्णु हूं, अब मैं जागृत हुआ हूं, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूंगा और तुमसे मिलूंगा। अब से तुम मुझे कल्की नाम से याद किया करो, संभल में मेरे कल्की रूप की नई लीला फैलेगी, कलयुग को समाप्त करके सतयुग स्थापित करने का मेरा संकल्प है। प्रकट होने से पहले
सवा लाख शरीरों में मेरा तेज व्याप्त होकर एक ही वाणी बोलेगा। जय कल्कि जय जगतपते। कल्कि भगवान के नाम की महिमा वर्णनातीत वैन्द्रातीत है। ब्रह्म सुख का भोग कराने वाली, स्वरूप का ज्ञान कराने वाली, शक्ति मुक्ति महारानी के दर्शन कराने वाली, गौ ब्राह्मणों के बैरियों का विध्वंस करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, अग्नि की तरह भड़कती हुई नवीन शक्तियों का सृजन करने वाली, भगवान के चरणों में तल्लीनता व तन्मयता देने वाली, नारायण के चरणों में हठात व बलात् लगा देने वाली, हमेशा से हमेशा के लिए भगवान का बना देने वाली, 432,000 वर्ष के कलयुग की आयु काटकर सूली का कांटा बना देने वाली, अंधेरे में उजाला, निराशा में आशा, असफलता में सफलता, जंगल में मंगल करने वाली, माता की तरह भक्ति भावों की पोषणा करने वाली, भक्तों की जीवन यात्रा को चलाने वाली, सत्संग व सत्पुरुषों में रुचि पैदा करने वाली है श्री कल्कि नाम की महिमा। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, काफ़ी बेहतरीन वीडियो था, बच्चों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस नाटक को प्रायोजित किया। तो आप लोग भी इन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब चेकआउट तो कम से कम कर ही सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर हमारे चैनल पर भी नए हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़ जाइए। ये पूरा चैनल भगवान कल्कि युग परिवर्तन और सनातन धर्म को डेडिकेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।